हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। इस वीडियो में फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग को डिस्कस करूंगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में जो हमारा कंटेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री क्या होता है, एरियल फोटोग्रामेट्री क्या होता है, और यू कैन से एरियल फोटोग्राफ्स क्या होते हैं, आपका टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी, लाइकवाइज वर्टिकल फोटोग्राफ्स, हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ्स, ऑब्लिक फोटोग्राफ्स, हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ्स, आपका परसेंटेज ऑफ ओवरलैप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इन साइड डायरेक्शन, आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में दूरी कितनी है ग्राउंड के ऊपर, ये मैप से उन दो पॉइंट के बीच में दूरी कैलकुलेट करके हम लोगों को ग्राउंड पॉइंट के बीच में दूरी निकालना, ये सारा डिस्कशन करना है हमें टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में। और आपका एरियल फोटोग्रामेट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ ए वर्टिकल फोटोग्राफ, स्केल ऑफ ए टिल्टेड वर्टिकल फोटोग्राफ, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, आईसो सेंटर क्या होता है, क्रैब क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, स्विंग, रोटेशन, आईसो सेंटर, आपका स्केल, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के आर्टिकल्स कैसे डिस्कस किए जाते हैं, फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके डिस्कस करूंगा आपका, इसके न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड ईएस पॉइंट ऑफ व्यू। तो टोटल फोटोग्रामेट्रिक सर्वे को मैंने टोटल तीन वीडियोज में डिवाइड कर रखा है। पहली वीडियो मैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री डिस्कस करूंगा, दूसरी वीडियो में और यू कैन से पार्ट नंबर टू में मैं डिस्कस करूंगा एरियल फोटोग्रामेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और थर्ड वीडियो में एरियल एंड टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ फोटोग्रामेट्री की, तो फोटोग्रामेट्री बेसिकली एक इस प्रकार का सर्वे होता है जब हम लोग किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर नहीं जा सकते हैं, लाइकवाइज रिमोट एरिया है, लाइकवाइज इनएक्सेसिबल पॉइंट है, जहां पर बेसिक सर्वे अप्लाई नहीं हो सकता है, वहां पर हमारा फोटोग्रामेट्रिक सर्वे अप्लाई होता है। और फोटोग्रामेट्रिक सर्वे जो है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, वन इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, वन इज कॉल्ड एज एरियल फोटोग्रामेट्री। टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री वो होती है जब हम लोग किसी कैमरा को माउंट कर दे किसी फिक्स्ड हाइट पर और उससे फोटोग्राफ लिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज ए टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। और अगर हम किसी कैमरा को माउंट करवा दें किसी एयरक्राफ्ट में, किसी ड्रोन कैमरा, लाइक वैसे आजकल ड्रोन आए हुए हैं उसके अंदर हम कैमरा फिट करवा देते हैं तो नीचे का पूरा एरिया आपका कैप्चर हो जाता है, तो उसको हम लोग एरियल फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। तो मैं बता चुका हूं कि फोटोग्रामेट्रिक सर्वे आपका इनएक्सेसिबल एरियाज के लिए काम आता है, जहां पर बेसिक सर्वे अप्लाई नहीं हो सकता है, लाइकवाइज रिमोट एरियाज। दो प्रकार की होती है, टाइप नंबर वन इज टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, टाइप नंबर टू इज एरियल फोटोग्रामेट्री। टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में जो फोटोग्राफ्स होते हैं आर टेकन फ्रॉम ए फिक्स्ड पोजिशन ऑन और नियर द ग्राउंड, कैमरा को फिक्स किया जाता है ऑन और नियर द ग्राउंड, लाइकवाइज किसी ट्री के ऊपर आप कैमरा को माउंट कर दीजिए। और एरियल फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफ्स होते हैं आर टेकन फ्रॉम ए कैमरा माउंटेड इन एन एयरक्राफ्ट और यू कैन से ड्रोन फ्लाइंग ओवर द एरिया, उस एरिया पर उड़ते हुए फ्लाई करते हुए किसी भी ड्रोन के द्वारा आपके फोटोग्राफ्स को लिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री को डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में एरियल फोटोग्रामेट्री को डिस्कस करूंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो मीन्स थर्ड पार्ट में टेरेस्ट्रियल और एरियल फोटोग्रामेट्री के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके गेट और ईएससी प्रॉब्लम्स में और ईएससी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। तो हमारा मेन आर्टिकल है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में बता चुका हूं कि कैमरा माउंट होगा
ये बात तो आप लोग सब जानते हैं कि जब भी कोई कैमरा कोई पिक्चर को लेता है, किसी भी ग्राउंड ऑब्जेक्ट को कैप्चर करता है, तो उसमें नेगेटिव प्लेन बनता है और पॉजिटिव प्लेन बनता है। मीन्स कैमरा प्लेट होती है और आपकी पिक्चर प्लेट होती है। तो जो आपका कैमरा इसमें यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं फोटो थियोडोलाइट। मीन्स कैमरा भी होता है और थियोडोलाइट भी होता है। तो एंगुलर मेजरमेंट्स थियोडोलाइट करता है, और फोटो थियोडोलाइट मतलब कैमरा की मदद से फोटोज को लेना पार्टिकुलर एंगल पर भी, मीन्स ऑब्लिक फोटोग्राफ्स भी आसानी से लिए जा सकते हैं। तो इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री को अगर देखते हैं डायग्राम की हेल्प से, अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री के बेसिक्स का, तो जो आपका कोन असेंबली होती है, लेंस असेंबली होती है, लेंस असेंबली होती है, लेंस असेंबली में एक आपकी नेगेटिव प्लेट, एक आपकी पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड एज पिक्चर प्लेट, नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड एज कैमरा प्लेट। लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड नेमिंग एज ए इज देयर, जिसके कैमरा एक्सिस से, जो भी कैमरा की एक्सिस है, ये जो कैमरा एक्सिस है, उससे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स ए एंड वाई ए हैं। याद रखिएगा, मैं कैपिटल सिंबल्स ग्राउंड डायमेंशंस के लिए बात करूंगा, और स्मॉल सिंबल्स लाइकवाइज यहां पर के से ए वन तक, दिस इज स्मॉल एक्स ए, ए वन से ए तक दिस इज स्मॉल वाई ए। तो अगर मैं स्मॉल एक्स ए और स्मॉल वाई ए की बात करता हूं, तो ये मैं बात करता हूं आपका फोटो डायमेंशंस और फोटो वैल्यूज। फोटो के ऊपर वैल्यूज आपकी और कोऑर्डिनेट्स आपके स्मॉल एक्स ए है, स्मॉल वाई ए है, ग्राउंड में कोऑर्डिनेट्स कैपिटल वाई ए है, कैपिटल एक्स ए है, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए का। तो ये नेगेटिव प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। जो भी आपकी प्लेट होती है, जो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसके सेंटर को मैं जनरल केस में प्रिंसिपल पॉइंट्स बोलता हूं। प्रिंसिपल पॉइंट्स के डेस के आर द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट रिस्पेक्टिवली। एफ हमारी जो भी ये सेंटर ऑफ लेंस है, ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ कैमरा लेंस। यहां से आपकी जो भी पॉजिटिव प्लेट, जो भी पिक्चर प्लेट है, उसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ आपका रिलेशन फॉलो करना चाहिए, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। थ्योरी लिखवा दूंगा अभी नेक्स्ट पेज में। आपका 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये लेंस फार्मूला हम लगा देंगे। इस तरीके से फोकल लेंथ एडजस्ट करवाई जाती है। तो अगर मैं बात करता हूं, आपको इसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसको मैं एक दूसरे डायग्राम से और दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, आइए लेट अस सपोज दैट यही हमारा ए ऑब्जेक्ट है। इसको मैं एक बार किसी भी फोटो के ऊपर दिखाता हूं कैसे दिखेगा ये। लेट अस सपोज दैट जो भी कैमरा ने, जो भी फोटो थियोडोलाइट ने आपका फोटो लिया, वो इस प्रकार है। तो इसके इन पॉइंट्स को, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज फ्यूडुशियल मार्क्स। अभी मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा। इन पॉइंट्स को किसी भी फोटो के आउटसाइड वाले पॉइंट्स, जो भी सेंटर पॉइंट्स होते हैं, उनको हम फिडुशियल मार्क्स बोलते हैं। और फिडुशियल मार्क्स को जोड़ने वाली लाइन को मैं फिडुशियल लाइन बोलता हूं। जो हमारा ये प्रिंसिपल पॉइंट के था, ये जो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट के था, इस प्रिंसिपल पॉइंट के को कई बार सेंटर ऑफ कोलिमेशन भी बोल दिया जाता है। सेंटर ऑफ कोलिमेशन मीन्स जहां पर दो फिड्यूशियल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी पिक्चर प्लेन में, वहां पर जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, सेंटर ऑफ कोलिमेशन भी बोल दिया जाता है। अब इस फोटो में मैं आपको एक्स ए एंड वाई ए को दर्शाने जा रहा हूं, जिसकी एक्चुअल ग्राउंड वैल्यू
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ए है, तो यहां से आपको एक बात तो समझ में जरूर आ रही होगी कि जनरल केस में अगर मैं बात करता हूं स्केल की, स्केल हमारा होता है मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, तो इस स्केल ऑफ फोटोग्राफ फोटोग्राफ हम लोग इसको डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई आपका ग्राउंड डिस्टेंस, एक्स की टर्मिनोलॉजी में मैंने ये ले दिया। सिमिलरली आपका ये मैप डिस्टेंस वाई ए, वाई ए डिवाइड बाई कैपिटल वाई ए आपका जो भी ग्राउंड डिस्टेंस होगा कैपिटल वाई ए, और सिमिलरली आप अगर इसके लेंथ की टर्मिनोलॉजी में बात करते हो तो ओ से पिक्चर प्लेन जो है उसकी दूरी एफ है, और इसी ओ से मतलब सेंटर ऑफ लेंस से एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है लेट अस सपोज दैट उसकी दूरी मैंने डी ए मान ली फॉर एग्जाम्पल, तो इसका स्केल आपका हो जाएगा मैप डिस्टेंस एफ, मतलब मैप डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ है, और एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस आपका सेंटर से लेकर के आपका डी ए है। तो ऐसे हम लोग स्केल ऑफ ए फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको जनरल केस में, इस सारे पॉइंट्स को मैं लिखवाऊंगा अभी, हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इस फोटोग्राफ की, मेरे को फोटोग्राफ में कैसे सारे सिंबल्स को डिनोट करवाना है, आइए लेट अस सपोज दैट दिस इज ए फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ पे आपका ये आपकी फिड्यूशियल लाइंस हो गई हैं, तो आउटसाइड में ये फिड्यूशियल मार्क्स हो गए हैं। आप किसी भी साइड में कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए हमारा ये ए पॉइंट ये था, तो फोटोग्राफ पे तो ये छोटा ही दिखेगा, तो के पॉइंट से उसके मैंने आपको कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल डायग्राम में, थ्री डी डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, छोटा एक्स है छोटा वाई ए, तो उसको दिखा लेते हैं। तो यहां पर इसके प्रोजेक्शन के जो पॉइंट्स होंगे, दिस वन इज एक्स ए, दिस वन इज वाई ए, तो ऐसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को किसी भी फोटोग्राफ पे दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ट्री ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो अब हम पहले तो डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर के आगे पोर्शन में बढ़ेंगे, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि आपके जो ये मैंने सारे कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं, फोकल लेंथ है, प्लेट है, कैमरा प्लेट है, पिक्चर प्लेट है, फोटो थ्रोट लाइट है, आपका आईसो सेंटर वगैरह, तो पहले ये डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिएगा, मैं आपको बता तो चुका ही हूं, फिड्यूशियल मार्क्स जो होते हैं ये कैमरा इमेज में और कैमरा प्लेट में लोकेट होते हैं, जो कि किसी भी इमेज को रेफरेंस लाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। जनरली इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए 4 से 8 फिड्यूशियल मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो लाइंस फिड्यूशियल मार्क्स को जोड़ेगी, लाइंस ज्वाइनिंग द अपोजिट फिड्यूशियल मार्क्स इज कॉल्ड एज फिड्यूशियल लाइंस, और ये बता चुका हूं ये फिड्यूशियल लाइंस आपस में जिस पॉइंट पर काटती हैं उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। जो हमारा फोटो थियोडोलाइट होता है, ये थियोडोलाइट एंड टेरेस्ट्रियल कैमरा का कॉम्बिनेशन होता है, बता चुका हूं। इसमें हमारे होते क्या क्या हैं, कैमरा बॉक्स जिसमें कैमरा फिट रहता है, होलो रेक्टेंगुलर फ्रेम मींस आपका जो कैमरा प्लेट होती है उस कैमरा प्लेट को उसने बोल दिया होलो रेक्टेंगुलर फ्रेम, जो कि दो क्रॉस हेयर्स जिसमें कंसिस्ट है, दोनों क्रॉस हेयर्स का नाम क्या हो जाएगा आपका फिड्यूशियल लाइंस हो जाएगा। आपकी एक फोटो प्लेट होती है और एक आपका थियोडोलाइट होता है, तो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में। वैसे तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं पहले, जो मैंने डायग्राम बनाया था ये तो केवल उसकी थ्योरी है। कैमरा एक्सिस क्या होती है, मैंने बताया कि ऐसी एक्सिस जो पास करेगी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कैमरा प्लेट, सेंटर ऑफ कैमरा लेंस ओ,
एंड सेंटर ऑफ कैमरा प्लेट, पिक्चर प्लेट, इन सब के सेंटर से पास करेगी जो, उसको कैमरा एक्सिस बोलते हैं। कैमरा प्लेट हमारी नेगेटिव होती है, पिक्चर प्लेट हमारी पॉजिटिव होती है। पिक्चर प्लेट को हम लोग अपने टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री या एरियल फोटोग्रामेट्री में फोटोग्राफ के नाम से दर्शाएंगे। प्रिंसिपल पॉइंट्स बता चुका हूं, के एंड के डैश था। के और के डैश क्या था? दोनों आपका कैमरा एक्सिस के साथ है, जो भी पिक्चर प्लेन या कैमरा प्लेट आपका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको पिक्चर और प्रिंसिपल पॉइंट बोलेंगे। फोकल लेंथ बताया था, ओ से और आपका के तक या फिर के डैश तक जो भी आपकी दूरी होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कैमरा लेंस मतलब ओ से लेकर के या तो पिक्चर प्लेट तक या तो कैमरा प्लेट तक, ये फॉलोइंग रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपका 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v जो कि सिंपल लेंस फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करते हैं, इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग रिलेशन दैट इज ए सिंपल लेंस फॉर्मूला, सिंपल लेंस फॉर्मूला विच गिव्स मी, यहां से अगर हम लोग सोल्व करते हैं f को, f विल बी uv डिवाइड बाई u प्लस v। यही रिलेशन हमारा नोडल पॉइंट्स भी फॉलो करते हैं, याद रखिएगा। अब पहले ही देख लेते हैं नोडल पॉइंट्स होते क्या हैं। मैंने यहां पर ऊपर पॉइंट्स बनाए थे, ये a था हमारा और ये a1 था, तो इन्हीं पॉइंट्स का प्रोजेक्शन आपका पिक्चर प्लेट पर आया था। याद आया हो तो आपको थोड़ी देर पहले, दिस वाज ए स्मॉल ए एंड दिस वाज a1, और यही पॉइंट्स अगर आप आगे चलते हैं तो दिस वाज ए डैश और a1 डैश, दिस वाज ए डैश। तो इन्हीं ए डैश और ए या फिर मींस माय मिस्टेक ए डैश और a1 डैश और a1 और ए स्मॉल ए, नॉट द ग्राउंड पॉइंट्स, ग्राउंड पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय लार्ज पॉइंट और लार्ज सिंबल्स, कैपिटल सिंबल से दिखाए गए यहां आपके ग्राउंड पॉइंट्स और स्मॉल सिंबल से दिखाए गए आपके कैमरा प्लेट के या फिर आपका पिक्चर प्लेट के जो भी ऑब्जेक्ट्स के नोटेशन हैं, तो इन्हीं को हम लोग नोडल पॉइंट बोलते हैं। आइदर ऑफ द टू पॉइंट्स या तो ए और a1 और ए डैश और a1 डैश ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए लेंस, सच दैट कि जितने भी डिस्टेंसेज ये इस प्रकार से लोकेट होते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज जो मेजर किए जाते हैं एक पॉइंट से या ऑल इमेज डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम अदर पॉइंट्स, तो एक पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया जाता है और दूसरे पॉइंट से आपका इमेज डिस्टेंसेज मेजर किए जाते हैं, और यू कैन से ये यू और वी डिस्टेंस को मेजर करवाने में आपकी सहायता करते हैं। हम लोगों की भी टर्मिनोलॉजी पेंडिंग है, देखते हैं। हम चार पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। एक बात और याद रखिए, जो ये आपके नोडल पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स या तो a1 और a या तो a1 डैश और a डैश, तो इन सब की लोकेशन इस तरीके से एडजस्ट करनी चाहिए और इस तरीके से एडजस्ट होती है कि ये आपका सिंपल लेंस फॉर्मूला वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करें। ये बात आपको माइंड में सेट करना है। तो अगर मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करता हूं, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल प्लेन। बेसिकली चाहे तो आपका कैमरा प्लेट में चाहे तो आपका फोटो प्लेट में, जो भी प्रिंसिपल लाइन और ऑप्टिकल एक्सिस को कंटेन करे अपने अंदर उसको हम लोग प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। विच कंटेन्स प्रिंसिपल लाइन एंड ऑप्टिकल एक्सिस और यू कैन से कैमरा एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी का पहले आप एक बार बेसिक समझ लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए एरियल फोटोग्राफ है और दिस इज द फ्लाइट लाइन, इस डायरेक्शन में आपका कैमरा चल रहा है, तो इस एक्सिस के साथ जो भी आपका फोटोग्राफ, जो भी टिल्ट, जो भी आपका स्विंग बनाएगा, फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम एयर विद एक्सिस ऑफ कैमरा, एक्सिस ऑफ कैमरा टिल्टेड फ्रॉम वर्टिकल उसको हम लोग ऑब्लिक फोटोग्राफ्स बोलते हैं। ऑब्लिक फोटोग्राफ्स दो प्रकार के होते हैं,
One is called as low oblique photographs, one is called as high oblique photographs. अगर आपके फोटोग्राफ में स्काई और होरिजन आसमान नहीं दिखे, उसका टिल्ट इस प्रकार से एडजस्ट कर रखा है कि आसमान और स्काई होरिजन नहीं दिख रहा है, तो लो ऑब्लिक फोटोग्राफ्स. अगर टिल्ट ज्यादा हो गई है सच दैट स्काई और होरिजन इज क्लियरली विजिबल इन द फोटोग्राफ, दैट इज कॉल्ड एज हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ. अब इन्हीं ऑब्लिक फोटोग्राफ्स की एक टाइप और होती है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट फोटोग्राफ. ध्यान से देखिएगा, हमारा यहां पर कैमरा है फॉर एग्जाम्पल, इसने कोई भी फोटोग्राफ लिया, ये फोटोग्राफ लिया, इतने एरिया का कवर हुआ इसमें. जब ये कैमरा आगे चला गया, यहां पर आ गया, इसने इस जगह का और किसी नेक्स्ट लोकेशन का आपका फोटोग्राफ लिया. सिमिलरली जब ये कैमरा और आगे चला गया तो इसने फिर आगे वाली ग्राउंड का फोटोग्राफ लिया. तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ऐसे फोटोग्राफ, ये जो भी मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूं, ये आपका पहले वाला फोटोग्राफ है, और इसके ऊपर जो ये ग्रीन पेन से जो ओवरलैप हो रहा है, ये हमारा नेक्स्ट फोटोग्राफ है. नेक्स्ट फोटोग्राफ का मतलब है कि कैमरा का एक्सपोजर, जब यहां पर यहां से एक फोटोग्राफ लिया गया था वो आपका ब्लैक पेन वाला फोटोग्राफ है, और जब यहां से फोटोग्राफ लिया है वो आपका ग्रीन पेन वाला फोटोग्राफ है. तो कहने का मीनिंग ये है कि ऐसे फोटोग्राफ्स जिनमें ओवरलैप आपका फिक्स हो या एडजस्ट अच्छे तरीके से कर रखा हो, ये ओवरलैप वाला आर्टिकल मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, तो उनको हम लोग कन्वर्जेंट फोटोग्राफ बोलते हैं. जो कि देखिएगा, पेयर का मतलब होता है कि दो में काम करना, इंडिविजुअली काम ना करना. तो कन्वर्जेंट फोटोग्राफ की मैं पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. दीज आर द लो ऑब्लिक फोटोग्राफ्स विच आर टेकन विद टू कैमरा एक्सपोज्ड साइमल्टेनियसली, इकट्ठा लगातार, वन बाय वन. ये पहला एक्सपोजर है, ये दूसरा एक्सपोजर है. दिस इज फ्लाइट लाइन, या आपकी फ्लाइट लाइन होती है. टू कैमराज एक्सपोज्ड साइमल्टेनियसली एट सक्सेसिव एक्सपोजर स्टेशन, पहला एक्सपोजर स्टेशन, दूसरा एक्सपोजर स्टेशन, तीसरा एक्सपोजर स्टेशन, अप टू सॉन, विद देयर एक्सेस एट ए फिक्स्ड इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन आ गया तो ऑटोमेटिकली किसकी बात कर रहा है, ऑब्लिक फोटोग्राफ्स की बात कर रहा है, फ्रॉम वर्टिकल. सो दैट, सच दैट, ध्यान से समझिएगा, फॉरवर्ड एक्सपोजर ऑफ द स्टेशन, इस स्टेशन का फॉरवर्ड एक्सपोजर ग्रीन पेन दिखा रहा है, फॉर्म्स ए स्टीरियो पेयर विद बैकवर्ड एक्सपोजर ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन. जब यहां से मैंने फोटोग्राफ लिया तो इसका बैकवर्ड एक्सपोजर ही ग्रीन पेन है, तो उसके लिए एक स्टीरियो पेयर बनाए. स्टीरियो पेयर मतलब ओवरलैप आपका फिक्स रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ए कन्वर्जेंट फोटोग्राफ. तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहला आपका पैरलेक्स और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या पैरलेक्स का जो डेरिवेशन है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो कि एरियल फोटोग्राफी में अच्छी तरीके से डराइव होगा. तो पैरलेक्स या रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ध्यान से समझिए. मैंने थोड़ी देर पहले आपको कन्वर्जेंट फोटोग्राफ्स के बारे में पढ़ाया, कंसेक्यूटिव फोटोग्राफ्स के बारे में पढ़ाया, टू कंसेक्यूटिव फोटोग्राफ्स, तो कुछ ना कुछ शिफ्टिंग तो हो ही जाती है, ओवरलैप है तो. ये तो नहीं कि एग्जैक्टली ओवरलैप जितना हम रिक्वायर्ड है हमें उतना ही मेंटेन हो पाएगा. तो पैरेलल शिफ्टिंग, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में शिफ्टिंग, ना कि साइड डायरेक्शन में. देखिएगा ध्यान से, ये आपका कोई फोटोग्राफ है, इसके ऊपर कोई दूसरा फोटोग्राफ अगर ओवरलैप करवाया गया है तो दिस शिफ्टिंग और दिस ओवरलैप इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप. इस ओवरलैप को मैं लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप बोलता हूं, जो ब्लैक पेन से मार्क्ड है, हैच्ड जो है, और जो ये कॉमन एरिया शो करेगा, जो मैं ये वर्टिकल हैचिंग कर रहा हूं, दिस वन इज कॉल्ड एज साइड ओवरलैप. और आपको पता है साइड डायरेक्शन को तो हम लोग कई बार ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी बोल देते हैं, साइड ओवरलैप
या ट्रांसवर्स ओवरलैप या वेक्टर ओवरलैप ओवरलैप एट एक्स्ट्रा, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ट्रांसवर्स बोल लीजिए साइड, वेक्टर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवरलैप बोल सकते हैं, सच एंड सच थिंग। तो पैरेलली शिफ्टिंग होना, जितना हमें ओवरलैप रिक्वायर्ड था उससे कम या ज्यादा हो गया, उसी को हम लोग बेसिकली रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग एरियल फोटोग्राफी में। तो जब ग्राउंड हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, ऑब्वियस बात है ग्राउंड प्योरली हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगी, तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ वेरी करता रहेगा। बिकॉज थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं स्केल इज एफ डिवाइडेड बाई डी जनरल कंडीशन में। तो फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम मीन सी लेवल और फ्रॉम फ्लाइट लाइन, तो वो वेरी करता रहेगा पॉइंट टू पॉइंट। तो ग्राउंड के अंदर कुछ ना कुछ हमें रिलीफ देने की जरूरत है। ग्राउंड रिलीफ इज शाउन इन प्रेस्पेक्टिव, इन रिस्पेक्ट टू फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के रिस्पेक्ट में। तो जो भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ इज देयर फॉर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ट्रू फोटोग्राफी। ट्रू फोटोग्राफी से हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, उसी डिस्प्लेसमेंट को मैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या पैरेलेक्स डिफरेंस बोलता हूं। द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट और पैरेलेक्स डिफरेंस। अभी फिलहाल में आप याद रख लीजिए फार्मूला, इसको डेराइव कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। d इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू h, स्मॉल h डिवाइडेड बाई कैपिटल h, स्मॉल r नॉट इंटू h डिवाइड बाई कैपिटल h माइनस स्मॉल h। दोनों फार्मूलाज में आपको पता लग पा रहा है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या पैरेलेक्स डिफरेंस आपका हाइट, और h यहां पर हमारा फ्लाइंग हाइट है, क्योंकि मैंने अभी आपको एरियल फोटोग्राफी नहीं पढ़ाई है तो इसलिए मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, फ्लाइंग हाइट। और जो स्मॉल h है यहां पर हमारा है जो भी ऑब्जेक्ट है मीन सी लेवल से वहां तक की आपका दूरी कितना है, एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल, एलिवेशन ऑफ ग्राउंड फ्रॉम मीन सी लेवल इज स्मॉल h। तो ये कैपिटल h के इनवर्सली रिलेटेड है। तो जैसे जैसे फ्लाइंग हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फ्लाइंग हाइट बढ़ती जाएगी आपका डी डिस्टेंस घटता जाएगा। तो यू कैन से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट इंक्रीजेस। अब ये का फंडामेंटल आ गया है तो एक बार देख लीजिए। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल सॉरी फ्लाइट लाइन है, दिस इज मीन सी लेवल, दिस इज आवर ग्राउंड, दिस इज टोटल हाइट h, फ्लाइंग हाइट, दिस इज स्मॉल h, यहां पर हमारा कोई भी कैमरा एक्सिस, एक्सपोजर स्टेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई टावर है, टावर का फोटोग्राफ लिया गया। तो इसकी जो शिफ्टिंग है, जब इस पॉइंट को हम लोग यहां पर, या फिर ये टावर है, ये टावर ये ले लीजिए, ये टावर है, इस टावर को हम लोगों ने यहां पर, इस पॉइंट को हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, उस टाइम पर जो ये पैरेलल शिफ्टिंग होगी उसी को मैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, इसके डेरिवेशन को हम लोग आपका क्या कहते हैं इसमें एरियल फोटोग्राफी में। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंथ निकालना दो पॉइंट्स के बीच में। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, देखिएगा ये कोई फोटोग्राफ है, बिकॉज फोटोग्राफी एक ऐसी सर्वे होता है, फोटोग्राफिक सर्वे, जिसमें हम लोग ग्राउंड में तो काम कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वो एरिया आपका रिमोट एरिया है, इनएक्सेसिबल पॉइंट है। लेट अस सपोज दैट ए पॉइंट इज देयर, लेट अस सपोज दैट बी पॉइंट इज देयर। तो ग्राउंड में इस ए पॉइंट के नाम का कैपिटल ए होगा और बी पॉइंट कोई कैपिटल बी होगा ग्राउंड में।
ये ग्राउंड ऑन ग्राउंड और ये कह सकते हैं आप ऑन फोटोग्राफ। तो लेट अस सपोज दैट फ्रॉम सेंटर ऑफ कोलिमेशन, लेट अस सपोज दैट इसका ऑर्डिनेट इज एक्स बी एंड वाई बी। ऑब्वियस बात है ओरिजिन पॉइंट से नेगेटिव है, पीछे है और नेगेटिव है और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आएगा। लेट अस सपोज दैट हमारा ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लस एक्स ए प्लस वाई ए ऑन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के ऊपर मैंने कोऑर्डिनेट्स मेरे जो हैं वो एक्स ए वाई ए हैं, एक्स बी वाई बी हैं। तो ऑब्वियस बात है ग्राउंड पॉइंट पर जो ये ए पॉइंट है आपका, ग्राउंड पॉइंट पर जो ये बी पॉइंट है, इनके कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो लेट अस सपोज दैट दिस इज एक्स ए, सॉरी दिस इज वाई ए, दिस इज एक्स ए, दिस इज एक्स बी माइनस एक्स बी, दिस इज माइनस वाई बी। तो जनरली दोनों पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा, तो जनरल ज्योमेट्रिक इक्वेशन मुझे लगानी पड़ेगी, मींस लेंथ ए बी ऑन ग्राउंड विल बी इक्वल टू, लेंथ जो ए बी है ऑन ग्राउंड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वेयर प्लस वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वेयर। अब हम बात करते हैं ये हमारा एक्स ए और एक्स बी कैसे निकलेगा, वाई ए वाई बी कैसे निकलेगा। जनरल केस में इस फोटोग्राफ का स्केल दे रखा होगा, तो अगर स्केल दे रखा होगा तो आइए स्केल दे रखा होगा, स्केल हम लोगों को जनरल केस में गिवन रहता है। रही बात एक्स ए वाई बी और एक्स बी, इनको मेजर करने के लिए मैं जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेता हूं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलता हूं मैं कंपैरेटर। कंपैरेटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फोटोज के ऊपर डिस्टेंसेस की मेजरमेंट करवाने के काम आता है। कंपैरेटर्स इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फोटो डिस्टेंसेस। फोटो के ऊपर डिस्टेंसेस की मार्किंग करवाने के लिए कंपैरेटर्स काम आते हैं, तो ये हम लोग कंपैरेटर्स की मदद से मेजर कर लेंगे। अब दो प्रकार की चीजें होती हैं, सिंगल कंपैरेटर यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनो कंपैरेटर सिंगल फोटोग्राफ में डिस्टेंस मेजर करवाने के काम आता है, फॉर सिंगल फोटोग्राफ। और जो मैंने आपको स्टीरियो पेयर्स कन्वर्जेंट फोटोग्राफ्स बताए थे उसके लिए आपका जो कंपैरेटर काम आता है उसको मैं स्टीरियो कंपैरेटर बोलता हूं, फॉर मेजरमेंट ऑन टू और मोर देन टू फोटोग्राफ्स एट ए टाइम। एक समय पर ही दो या दो से ज्यादा फोटोग्राफ्स के ऊपर आपका डिस्टेंसेस मेजर करवाना स्टीरियो कंपैरेटर्स का काम होता है। तो जो ओवरलैप्स होते हैं कन्वर्जेंट फोटोग्राफ्स को कई बार मोजेइक्स भी बोल दिया जाता है, मोजेइक्स। अभी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट नोट में, लेकिन हम लोग पहले थोड़ा सा इसका हिसाब कर देते हैं एक बार लेंथ का। तो हमारे पास स्केल है, स्केल हमारा लेट अस सपोज दैट मैप डिस्टेंस इज एक्स ए, तो ग्राउंड डिस्टेंस कैपिटल एक्स है। मैप डिस्टेंस वाई ए, ग्राउंड डिस्टेंस कैपिटल सॉरी वाई ए
कैपिटल वाई एक्स बी एक्स बी वाई बी वाई बी। तो मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस का रेशियो को हम लोग स्केल बोलते हैं। मैप का मतलब फोटो है, मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस रेशियो इज स्केल। तो स्केल हमें जनरल कंडीशन में गिवन रहेगा। ऊपर वाली चारों वैल्यूज हम लोग कंपैरेटर की मदद से मेजर कर लेंगे, तो हम लेकर नीचे वाली चारों वैल्यूज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नीचे वाली चारों वैल्यूज आसानी से कैलकुलेट हो गई तो हमारा लेंथ ए भी ग्राउंड के ऊपर आसानी से कैलकुलेट हो सकता है यूजिंग फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, नॉट पिच। तो हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है मोजाइक्स। ये मोजाइक्स आपका गेट एड ईएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गेट एंड ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मोजाइक बेसिकली होता क्या है, एक असेंबली होती है, इंडिविजुअल एरियल भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स, मतलब जो ओवरलैप होते हैं उसी को हम लोग जनरल केस में मोजाइक बोलते हैं। तो ओवरलैप कंट्रोल्ड हो, जितना हमें चाहिए उतना ही बने, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा इज देयर, याद रखिएगा। प्रिपेयरिंग कंट्रोल्ड मोजाइक्स इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द अनकंट्रोल्ड मोजाइक्स। अनकंट्रोल्ड मोजाइक्स तो आसानी से बन जाएंगे, लेकिन कंट्रोल्ड मोजाइक्स बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमारा ये पॉइंट हुआ। हमारा ये पॉइंट हो गया। तो जब ये मोजाइक्स अच्छी तरीके से नहीं बन सकती तो पैरेलल शिफ्टिंग तो होगी, और पैरेलल शिफ्टिंग होगी तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आ गया तो प्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया आ गया, मींस एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ अ प्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया। और अगर प्रेस्पेक्टिव आ गया, ध्यान से समझिएगा, प्रेस्पेक्टिव आ गया तो ये ट्रू प्लेनिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि इनके अंदर प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन आ गया है ना कि एक्चुअल प्रोजेक्शन। तो ये ट्रू प्लेनिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये अच्छे तरीके से काम नहीं आती है। तो ये भी पॉइंट हट गया हमारा, ये भी हट गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं, देखिएगा, कई बार मोजेक्स की बजाय हम लोग वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स को एज इट इज यूज कर लेते हैं। वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स, बात एरियल की कर रहा हूं, बात टेरेस्ट्रियल की नहीं कर रहा हूं। मीन्स एक एक्सपोजर स्टेशन से कोई फोटोग्राफ लिया, दूसरे एक्सपोजर स्टेशन से कोई फोटोग्राफ लिया, तीसरे एक्सपोजर स्टेशन से कोई फोटोग्राफ लिया, तो इसमें ओवरलैप तो आएगा ही, और ओवरलैप आएगा तो मोजाइक बनेगी। तो वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स भी एक प्रकार से मोजाइक होते हैं, मतलब कहने का एरियल फोटोग्राफ्स को आप मोजाइक्स कैटेगरी में रख सकते हो। वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ ए मैप, क्योंकि मोजाइक्स एक मैप का काम करती है। दैट्स व्हाई यू कैन से मोजाइक्स ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव ऑफ एन मैप, नॉट पिच। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ओवरलैप्स इन द फोटोग्राफ्स। जनरली लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप मैं समझा चुका हूं आपको, 55-65% एवरेज वैल्यू 60% ली जाती है। लेटरल और साइड ओवरलैप 15-35% एवरेज वैल्यू 30% ली जाती है। और यू कैन से फोटोग्राफ्स मस्ट बी टेकन एट प्रॉपर इंटरवल, इस तरीके से लिए जाने चाहिए टू मेंटेन एटलीस्ट 60% लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप एंड एटलीस्ट 30% साइड ओवरलैप। जनरल केस में अगर मैं बात करता हूं विड्थ ऑफ ग्राउंड ओवरलैप की, दैट मस्ट बी इक्वल टू, मैंने आपको बता चुका हूं 60% इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ये जो आपका फोटोग्राफ है इसका फ्लाइट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी फ्लाइट चल रही है, एयरक्राफ्ट चल रहा है, लेट अस सपोज दैट उस डायरेक्शन में डायमेंशन बी है, अपोजिट डायरेक्शन में फोटोग्राफ का डायमेंशन एच है, तो ओवरलैप जो विड्थ ऑफ ग्राउंड ओवरलैप है दैट मस्ट बी अप्रोक्स टू टाइम्स ऑफ बी,
और अप्रोक्स 1.22 टाइम्स ऑफ एच। आप लोगों को याद रखना है मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया टू बी कवर्ड, क्योंकि जनरल केस में फोटोग्राफ्स आपके स्क्वायर भी हो सकते हैं और आपके रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर प्रेफर किए जाते हैं, तो रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर एरिया कवर करेगा ग्राउंड पे, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर एरिया कवर करेगा ग्राउंड पे। तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया टू बी कवर्ड बाई वन फोटोग्राफ, जो रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ के जो डायमेंशन होने चाहिए, बी मीन्स डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट मस्ट बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डायमेंशन इन द डायरेक्शन और डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट, बी मस्ट बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ एच। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको ऑप्टिमल फ्लाइट प्लानिंग करनी हो उस टाइम पर साइड एंड लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो यू कैन से ड्यूरिंग ऑप्टिमल फ्लाइट प्लानिंग फोटोग्रामेट्रिक सर्वे शुड बी कैरिड आउट कंसिडरिंग बोथ साइड एंड लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करना। ये टॉपिक आपका गेट एंड ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स टू कवर ए गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया को कवर करने के लिए नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितने जरूरत पड़ेगी। एन बराबर है कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, वेयर कैपिटल ए क्या है, जितना आपको टोटल एरिया कवर करना है। टोटल एरिया टू बी कवर्ड कैपिटल एल मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल एल किलोमीटर में निकलेगा, कैपिटल डब्ल्यू किलोमीटर में निकलेगा कैसे, 1 - PL S × L, 1 - PW S × W। एस तो हमारा हो गया स्केल, स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, इसकी बात तो हो गई। अब बात करते हैं पीएल और पीडब्ल्यू की। पीएल परसेंटेज लैप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, पीडब्ल्यू परसेंटेज लैप इन लेटरल डायरेक्शन, इसका भी काम खत्म हो गया। अगर ये पीएल और पीडब्ल्यू नहीं दे रखे हो तो परसेंटेज लैप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आपको कितना मान लेना है, 0.6 और यू कैन से 60%, और पीडब्ल्यू कितना मान लेना है, 0.3 और यू कैन से 30% अगर आपको नहीं गिवन है तो। तो अगर मैं बात करता हूं इस एल का हिसाब हो गया, हाँ इसमें कैपिटल स्मॉल एल और स्मॉल डब्ल्यू क्या थे, स्मॉल एल लेंथ ऑफ फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट की डायरेक्शन में लेंथ ऑफ फोटोग्राफ कितना है स्मॉल एल, और विड्थ ऑफ फोटोग्राफ कितनी है स्मॉल डब्ल्यू। मैंने कैपिटल एल और कैपिटल डब्ल्यू निकाले, उससे आप लोग टोटल वैल्यू ऑफ ए निकाल सकते हो। कैपिटल ए बराबर है एल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ भी नहीं है। ये लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था आपका 1 - PL × W × S और एल निकाला था, और कैपिटल डब्ल्यू निकाला था 1 - PW × L × W × S 1 - PL, 1 - PS, यहां पीडब्ल्यू यहां पर आ गए, दो एस हैं, एस से एस मल्टीप्लाई हो गया, एल इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल ए निकल के आ गया। तो हमारा ए हो गया। एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर करेगा, वो फोटोग्राफ के डायमेंशन आपको गिवन रहेंगे, नेट एरिया उसमें से हम लोगों को ये परसेंटेज ऑफ ओवरलैप हम घटा देंगे। ये मैं न्यूमेरिकल्स में ही आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं छोटे से टॉपिक की, इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेंगे अभी। एरियल फोटोग्राफी में इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर्स, पहला एक्सपोजर, दूसरा एक्सपोजर, तीसरा एक्सपोजर, ऑब्वियस बात है ये परसेंटेज ऑफ ओवरलैप के ऊपर डिपेंड करेगा इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तभी तो एक्सपोजर आएगा, यहां पर है फिर यहां पर फिर यहां पर, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो एल यहां पर केवल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन स्पीड ली जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन डायमेंशन लिया जाएगा। तो एल हमने निकाल लिया, लेंथ ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाई ईच फोटोग्राफ 1 - PL L × S, मैंने एल निकाल लिया 3600, इसको किलोमीटर प्रति घंटा, इस डिस्टेंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया आपका सेकेंड्स में, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। V जब आपका KMPH में है तो V आपका, देखिए मैं इसको अगर स्टार्टिंग से निकालता हूं तो T इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है L बाई V, L हमारा है किलोमीटर में
और वी हमारा होगा किलोमीटर पर हार में, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, तो हार ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो एक घंटे में 3600 सेकेंड्स, तो हमारा आंसर यहां पर सेकेंड्स में आ जाएगा। तो वी जो है वो ग्राउंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है वी, तो इसके बेस के ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक्सपोजर वाले के ऊपर, क्योंकि इसके इतने न्यूमेरिकल आते ही नहीं है एग्जाम में, फिर भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया है तो उसके न्यूमेरिकल तो बनता है, बाकी हम बाकी सब के न्यूमेरिकल हम लोग तीसरे वीडियो में करेंगे डिस्कस वन बाई वन। तो हमारा न्यूमेरिकल है, हमारा क्वेश्चन है, इन एरियल फोटोग्रामेट्रिक सर्वे इफ एक्सपोजर इंटरवल इज 30 सेकेंड्स, मतलब उसने हमें जो हमारा फार्मूला था टी इज इक्वल टू 3600 एल बाई वी, वी हमारा किलोमीटर पर हावर में निकल के आएगा, 30 सेकेंड्स टू कवर द ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर, 3600। अब ये मुझे को किलोमीटर में पुट करना था, किलोमीटर में ये पुट करना है, ये किलोमीटर पर हावर में निकल के आएगा, तभी तो जाकर के ये बराबर सेकेंड्स के बराबर होगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, पर हार है तो ऊपर जाके ये 3600, तो इधर हमारी यूनिट्स सेकेंड्स में बन गई, टाइम भी हमें सेकेंड्स में दे रखा है, तभी तो यूनिट कंपनसेट होंगी। तो एल की वैल्यू वी हैव टू पुट इन किलोमीटर्स 1.5, वी वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, वी विल फाइंड वी एज 90 km/h, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन पेंडिंग टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एरियल फोटोग्रामेट्री, एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल एंड एरियल फोटोग्रामेट्री आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।